दक्षिण अफ्रीका के निचले सवाना जंगलों में गर्मी में होने वाली बारिश ने इन बियाबानों को एक हरी भरी जन्नत में बदल दिया है। पूरी जमीन सेहत देने वाली हरियाली से ढक गई है और जंगली जीव खूब पल बढ़ रहे हैं। ये इकोसिस्टम अफ्रीका में जमीन पर सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले जंगली जीवों का ठिकाना है। साल के इस समय गर्मी में होने वाली बारिश सुनिश्चित करती है कि यहाँ के सभी गड्ढे और जल कुंड भर जाएं। स्थानीय जल कुंड लबालब भरा हुआ है और इसका पानी किनारों पर मौजूद पेड़ों की निचली टहनियों और झाड़ियों को छू रहा है। पानी का किनारा शांत है और इसकी सतह पर कोई हलचल नहीं है। आसपास का जंगल भी खामोश है और लगता है यहां कोई नहीं है। ये जलकुंड अभी सुनसान लग रहा है, लेकिन ये इस वजह से है कि अभी गर्मी का मौसम चरम पर है। अभी जंगल में हर जगह पानी उपलब्ध है और जीवों को यहां उतनी बार नहीं आना पड़ता जितनी बार वो जाड़े के सूखे महीनों में तब आएंगे जब ये पानी का मुख्य स्रोत बन जाएगा। ये जलकुंड जीवन देने वाला पानी तो उपलब्ध कराएगा, लेकिन यहां खतरा भी होगा। इस पानी पर निर्भर करने वाले जीव इस जलकुंड के आसपास घूमने वाले शिकारी जीवों का आसान निशाना बन जाएंगे। फिलहाल इस पूरे इलाके में कई जलकुंड और पानी से भरे गड्ढे हैं और जीव जंतु चरने के लिए जंगल में काफी दूर तक जाकर चारों तरफ फैली हरियाली का फायदा उठा सकते हैं। खाने के मामले में ज़ेब्रे हालात के मुताबिक ढल जाते हैं और पेड़ पौधों का कोई भी हिस्सा खा सकते हैं, लेकिन इनकी पसंदीदा हरी भरी घास की अभी भरमार है और ये सबसे अच्छी घास चरते हुए जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पूरे जंगल में मौजूद कई छोटे जलकुंडों के बावजूद ये बड़ा तालाब अब भी एक ऐसी सहूलियत देता है जो ताजे पानी से भरा कोई गड्ढा नहीं दे सकता। ये इस मौसम की तेज गर्मी से ठंडक भरी राहत देता है। भैंसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इन्हें छांव के साथ साथ पानी के आसपास रहने के इलाके की भी जरूरत होती है। नर अक्सर कीचड़ में बैठे रहते हैं जिससे इन्हें ठंडक तो मिलती ही है, साथ ही ये इनकी खाल के लिए भी फायदेमंद होता है और काटने वाले कीड़े मकोड़ों से भी बचाता है। इम्पाला पानी और कीचड़ में तो नहीं बैठते, लेकिन ये अपने चारे से इतनी नमी हासिल नहीं कर पाते कि इनका काम चल सके और इन्हें रोजाना प्यास बुझाने के लिए किसी जल कुंड के आसपास ही रहना होता है। सर्दी में ये हिप्पो होल के आसपास बने रहेंगे और कभी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इनके लिए पानी का अकेला स्रोत होगा। इस प्राकृतिक आवास क्षेत्र में घुमावदार बहाव के साथ गुजरने वाली दोनों नदियां अभी पूरी तरह भरकर तेजी से बह रही हैं। जाड़े में पानी का स्तर कम हो जाएगा और कुछ जगहों पर तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा।
लेकिन हर साल गर्मी में होने वाली बारिश से ये सुनिश्चित हो जाता है कि सैंड और साबी नदियां यहाँ के जीवों को चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन हमेशा पानी उपलब्ध कराती रहे। सरकंडे की घनी झाड़ियों और रेतीले इलाकों के बीच बीच में थोड़े तेज बहाव और गहरे जलकुंड इन नदियों की खासियत है और इससे बनने वाले कई तरह के आवास क्षेत्र में कई तरह के जीव पलते हैं जिनमें मछलियां, उभयचर और बिना रीढ़ वाले जीव शामिल हैं। यहाँ के हिप्पो के झुंडों के रहने के लिए पूरी तरह भरी हुई नदी बिल्कुल सही है। गहरा पानी झुलसा देने वाली धूप से बचाता है और नदी के किनारों पर मौजूद जंगल में बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ों के नीचे उगी घनी घास से हिप्पो को चरने की बढ़िया जगह भी मिल जाती है। नदी से और आगे मौजूद सवाना का हिस्सा पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ है। यहां हर तरफ बबूल के पेड़ों के झुंड और मरूला और बुशविलो की घनी झाड़ियां नजर आती हैं, जिससे खाने के स्रोत के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीवों के लिए ये चरने की बहुत अच्छी जगह साबित होती है। ज़ेब्रे जैसे शाकाहारी जीवों के प्रजनन का कोई निश्चित मौसम नहीं होता, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा संतानें गर्मी में ही पैदा होती हैं। ज़ेब्रे के बछड़े एक साल तक माँ का दूध पीते रहते हैं, लेकिन ढेर सारी पौष्टिक हरियाली मौजूद रहने पर ये बड़ी आसानी से 7 महीने में ही दूध पीना छोड़ देते हैं। शाकाहारी जीवों के पलते बढ़ते झुंडों से उन शिकारी जीवों को भी ढेर सारा भोजन मिलता है जिन्होंने यहां अपने इलाके कायम कर रखे हैं। लेकिन सभी जीव पानी पर ही निर्भर हैं। इजिप्शियन हंस दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज्यादा नजर आने वाले पानी के परिंदों में से एक है। ये लगभग पूरी तरह शाकाहारी होते हैं और ज्यादातर घास और पानी में उगने वाले पौधे खाते हैं। लेकिन इजिप्शियन हंसों के अलावा दूसरे परिंदे भी इस जल कुंड का इस्तेमाल करते हैं। पानी से सीधे जुड़े नहीं होने के बावजूद मैना हर उस जगह पर होती है जहां भैंसें मौजूद होती हैं। ये छोटे परिंदे सिर्फ बड़े जानवरों की पीठ पर मिलने वाले भोजन से ही पेट भरते हैं। खाल पर पलने वाले परजीवियों, पिस्सुओं और दूसरे कीड़ों से इन परिंदों को पेट भरने का अच्छा जरिया मिल जाता है। लेकिन जल कुंड में कीचड़ में बैठी भैंसों का फायदा सिर्फ मैना ही नहीं उठाती। इस इलाके के ज्यादातर जल कुंडों में सरेटेड हिंज्ड टेरापिन पाए जाते हैं और ये भैंसों की खाल पर मौजूद पिस्सुओं और कीड़ों की दावत का पूरा फायदा उठाते हैं। पूरे दक्षिणी अफ्रीका में पानी और उसके आसपास पाया जाने वाला एक और आम सरीसृप
नाइल मॉनिटर लिजर्ड है। ये लिजर्ड जमीन पर अपना घर बनाती है, लेकिन थूथन पर काफी ऊपर मौजूद अपने नथुनों और तैरने के लिए स्ट्रीमलाइंड शरीर की वजह से ये पानी में रहने के लिए भी खास तौर पर ढली हुई है। छोटे चूजे लजीज नाश्ता साबित होते हैं, और जब पानी का स्तर बया पक्षियों के नीचे लटकते घोंसलों तक पहुंचने लगता है तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। कई बार टेरापिन भी मौका मिलने पर चूजों को खा लेते हैं। लेकिन बहुतायत का ये समय ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहता। गर्मी के मौसम का अंत करीब है और अब तापमान कम होने के साथ साथ बारिश भी बंद हो जाएगी। जंगल के धीरे धीरे सूखने के साथ ही इस पूरे इलाके का रंग बदलने लगेगा। हिप्पो होल के इर्द गिर्द जीवन और मृत्यु का वार्षिक चक्र शुरू हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के निचले सवाना इलाके में गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है और धीरे धीरे बारिश बंद हो गई है, साथ ही माहौल में ठंडक आने लगी है। भैंस और कई अन्य जीव पानी का स्थायी स्रोत ढूंढने के लिए मौसम के साथ दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। यहां इन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जलकुंड इन्हें आगे सर्दी के मुश्किल महीनों में भी अपनी प्यास बुझाने के लिए काफी पानी उपलब्ध कराता रहेगा। लेकिन अभी गर्मी का मौसम खत्म नहीं हुआ है और चरने के लिए काफी हरियाली मौजूद है। भैंसे खुद को जाड़े के लिए तैयार कर रही हैं। नदी में पानी घट जाने से अब सरकंडों की झाड़ियों तक पहुंचा जा सकता है। इन दलदली जगहों पर चरते हुए भैंसे अपना वो सेहतमंद वजन कायम रखेंगी जो इन्होंने गर्मी के मौसम में प्रोटीन से भरपूर घास चरकर हासिल किया था। भैंस का मुंह लंबी घास को खाने के लिए पूरी तरह ढला होता है। ये अपनी जीभ से घास को मुंह में खींचकर काटने वाले निचले दांतों से डंठल को अलग कर देती हैं। जुगाली करने वाले सभी जीवों में भैंसों का पाचन तंत्र सबसे कारगर होता है। ये पेड़ पौधों के लगभग हर रेशेदार हिस्से को पचा सकती हैं और उससे पोषण भी हासिल कर सकती हैं। इससे इन्हें सबसे मुश्किल समय में भी अपना पेट भरने लायक चारा मिल जाता है। इधर नदी में रहने वाले हिप्पो के झुंड को अब खाने और रहने की जगह के लिए बढ़ते हुए दबाव और मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। पानी धीरे धीरे घटता जा रहा है और सूखे का मौसम आने के साथ ही यहां जीने के हालात भी मुश्किल होते जा रहे हैं। एक अकेला नर जानता है कि इसे जल्दी ही नदी से निकलकर ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां ये जाड़े का मौसम बिता सके। नदी के जल कुंडों के सिकुड़ने के साथ ही
अब अचानक पड़ोसी झुंडों के इलाके ज्यादा करीब लगने लगे हैं और मादाओं पर अधिकार के लिए मुकाबला अपने चरम पर है। अगर ये नदी में रहा तो इसे यहाँ दबदबा रखने वाले नर की चुनौती का सामना करने और यहाँ तक कि मारे जाने का भी खतरा झेलना होगा। नया घर ढूंढने का अर्थ है कि इसे नदी की सुरक्षा से निकलकर अपने लायक जल कुंड की तलाश में जाना होगा। पानी की सुरक्षा से निकलकर अपने रहने के लिए नई जगह की तलाश में जमीन पर घूम रहे इस नर को काफी खतरा है। जंगल में इसे शिकारी जीवों का खतरा हो सकता है। शेरों का झुंड साथ मिलकर इस पर हमला कर सकता है। ये तेजी से निकलकर अगले कुछ सप्ताह में बार बार इधर उधर घूमकर अपने लिए एक बढ़िया नया घर ढूंढेगा। फिर यह नदी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन इस नर को जल्दी करनी होगी। मौसम तेजी से बदल रहा है और जल्दी ही जाड़ा आ जाएगा। गर्मी में होने वाली बारिश के दौरान ये जंगल जितनी तेजी से हरा होता है, जाड़े में उससे भी ज्यादा तेजी से सूखता है। सर्दी का मौसम आने ही वाला है। ये सूखे मौसम की शुरुआत है। हिप्पो को जाड़े के मौसम के लिए एक नया घर मिल गया है। नदी के सिकुड़ते हुए जलकुंडों में इसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये जलकुंड सर्दी में रहने के लिए इसके लिए बिल्कुल सही जगह साबित होगी। ये धीरे धीरे पानी में उतर रहा है। शुरू में थोड़ी झिझक के बाद इसने खुद को जल्दी ही इस शांत पानी और यहाँ के कीचड़ के मुताबिक ढाल लिया। नदी में हिप्पो के एक पूरे झुंड के साथ रहने के बाद अब ये इस जलकुंड में अकेले रहकर बहुत खुश है। लेकिन जल्दी ही इसे एहसास हो गया कि ये जलकुंड हमेशा इतना शांत नहीं रहता। गर्मी में बने छोटे छोटे जलकुंड और पानी के गड्ढे सूख गए हैं और ये बड़ा जलकुंड जीव जंतुओं की गतिविधियों का केंद्र बन गया है। आसपास के सभी जीव जंतु रोज अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां आते हैं। इम्पाला के प्रजनन करने वाले झुंड में ज्यादातर बच्चों के साथ मादाएं होती हैं और ये बहुत सावधानी से पानी के पास आ रही हैं। आसपास कोई शिकारी जीव नहीं दिख रहा, लेकिन मुमकिन है कि कोई मगरमच्छ या शेर किसी बेखबर शिकार के लिए घात लगाए बैठा हो। इस तरह के जलकुंड सर्दी के मौसम में शिकारी जीवों के लिए शिकार करने की सबसे अहम जगह है और शिकार बनने वाली तमाम प्रजातियों की तरह इम्पाला में भी हमेशा सतर्क रहने का जन्मजात सहज ज्ञान होता है। साल के इस समय जंगल में पानी दुर्लभ है और जीवों को हर रोज प्यास बुझाने के लिए जलकुंड के पास आना ही पड़ता है। यहां घात लगाकर इंतजार कर सकने वाले किसी भी शिकारी के लिए वो आसान निशाना साबित हो सकते हैं। झुंड में रहने का एक फायदा यह है कि कई जोड़ी आंख कान से ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। झुंड के कुछ सदस्य किनारे पर प्यास बुझा रहे हैं और बाकी सदस्य झाड़ियों पर नजर रखकर
खतरे के किसी भी संकेत के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। यहाँ पानी पीने के लिए आए नन्हे कूडू जैसे अन्य जीव इम्पाला की मौजूदगी का फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि खतरा महसूस होते ही इम्पाला चेतावनी देंगे और उन्हें भी पता चल जाएगा। जलकुंड के दूसरे किनारे पर नरों का एक छोटा झुंड ये अंदाजा लगा रहा है कि अभी पानी पीना सुरक्षित है या नहीं। नर इम्पाला सिर्फ मिलन के मौसम में ही अपने इलाके की हिफाजत के लिए सक्रिय होते हैं और ये अपना ज्यादातर समय मादाओं से अलग रहने वाले नरों के झुंड में बिताते हैं। इस तरह के प्रजनन करने वाले झुंडों में आमतौर पर सिर्फ बच्चों के साथ मादाएं होती हैं और कभी कभार इनके साथ इलाके पर दबदबे वाला नर भी दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रजनन के मौसम का आखिरी दौर है। दूसरी तरफ कूडू अनिश्चित झुंडों में रहते हैं जिनकी कोई स्पष्ट सामाजिक बनावट नहीं होती। प्रजनन करने वाले परिवार समूह में बच्चों और मादाओं के साथ दो नर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पानी पीने की जगहों और अच्छी चरागाहों में ही कूडू के बड़े झुंड नजर आते हैं। लेकिन सामाजिक संरचना चाहे जो भी हो, शिकार बनने वाली इन प्रजातियों में एक समानता है, इन सब में अपना अस्तित्व बनाए रखने का सहज ज्ञान होता है। पानी पीते ही ये माएं अपनी संतानों के साथ जलकुंड से जा रही हैं। लगता है ये समय रहते निकल गईं। जलकुंड के दूसरी तरफ सबसे पहले नरों के झुंड को खतरे का एहसास हुआ और वो झाड़ियों में भाग निकला। इसके बाद जंगली शूकर भी दूसरी दिशा में भाग निकले। पलक झपकते ही ये किनारा बिल्कुल खाली और सुनसान हो गया। यहां सिर्फ ऊंची सूखी घास में बहती धीमी हवा की आवाज आ रही है, लेकिन खतरा बहुत खामोशी से आसपास ही घूम रहा है। ये शेर है। ये अभी शिकार नहीं कर रहे, लेकिन आसान मौका देखकर ये दूसरों के लिए जानलेवा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी सबको इनकी मौजूदगी का पता चल गया है और आज इन्हें जलकुंड पर कोई आसान शिकार नहीं मिलेगा। फिलहाल जलकुंड के आसपास खामोशी है। यहां घूम रहे शेरों की गंध से ज्यादातर जीव हमले के खतरे से बचने के लिए भाग निकले हैं। बूढ़ा जिराफ काफी ऊंचाई से सब कुछ देख सकता है और ये दूसरे किनारे से नजर रख रहा है। ये बिल्कुल शांत रहकर छिपा हुआ है। ये शेरों के बारे में सब कुछ जानता है और इसके शरीर पर मौजूद निशान यही बता रहे हैं। कुछ मिनट पहले मची अफरा तफरी से बेखबर दो नर भैंसे पानी के किनारे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा और इनका बेपरवाह बर्ताव जिराफ और दूसरे जीवों को भी जलकुंड के पास आने की हिम्मत दे रहा है। बूढ़ा जिराफ अब भी झिझक रहा है, लेकिन इसकी एक वजह भी है। पानी पीने के लिए अपने लंबे शरीर को झुकाने पर यह आसानी से शेरों का निशाना बन सकता है। पानी का एक घूंट भरते ही जिराफ अपना सिर उठाकर गर्दन सीधी कर लेता है। इसके लिए हमेशा शिकारियों पर नजर रखना जरूरी है।
इस बीच पानी का किनारा फिर से प्यास बुझाने के लिए आने वाले जीवों से भर गया है और हिप्पो जलकुंड के सबसे गहरे हिस्से से सारी हरकतों पर नजर रख रहा है। इसने ये बात मान ली है कि इसके इस नए घर में इसे शांति या अकेलापन नहीं मिलेगा। ये जलकुंड आसपास के इलाके में रहने वाले सभी जीवों के लिए जीवन स्रोत है और हिप्पो की मौजूदगी भी एक बड़ा आकर्षण है। इसका शरीर जैसे ही पानी की सतह के बाहर आता है, मैनाएं और टेरेपिन उस पर चढ़ जाते हैं। ये आखिरकार पानी में डुबकी लगाकर इन सरीसृपों को गिराने की कोशिश छोड़ देता है और इस जलकुंड में रहने वाले सभी टेरेपिन के लिए धूप सेकने का पक्का ठिकाना बनना स्वीकार कर लेता है। टेरेपिन असमतापी यानी ठंडे खून वाले होते हैं और धूप से गर्मी हासिल करते हैं, इसलिए इनके लिए धूप सेकना जरूरी होता है। लेकिन सभी जीव दोपहर की धूप की गर्मी पसंद नहीं करते। दो जंगली शूकर जलकुंड के आमने सामने के किनारों पर कीचड़ में लोटने और खुद को ठंडा करने में व्यस्त हैं, ताकि अपनी खाल को तेज धूप से बचा सकें। नहाने के बाद एक शूकर अपनी साज सवार पूरी करने के लिए अतिरिक्त कीचड़ को शरीर से हटा रहा है और इसके साथ ही इसे अपने शरीर पर बचे खुचे परजीवियों और कीड़े मकोड़ों से भी मुक्ति मिल जाती है। ये शूकर इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएगा जब तक इसे परेशान करने वाले कीड़ों से छुटकारा नहीं मिल जाता। लेकिन इसके लिए ये अनुभव काफी मजेदार भी है और ये जरूरत से थोड़ी ज्यादा देर तक भी ये सब करता रह सकता है। ये गर्म और सूखा मौसम है और इम्पाला फिर से जलकुंड के पास आने के लिए बेताब है। इन्हें शिकारी जीवों का डर है और ये सावधानी से पूरे इलाके का जायजा लेकर तय करते हैं कि पानी पीने के लिए किनारे पर जाना सही है या नहीं। पास मौजूद विल्डबीस्ट का एक झुंड इम्पाला की दुविधा को भांप रहा है और माहौल में तनाव को भी महसूस कर रहा है।
लेकिन पानी की मीठी गंध का आकर्षण बहुत जबरदस्त है और झुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए धीरे धीरे जल कुंड के किनारे पहुंच गया। ये फटाफट पानी पीते हैं और खाने की तलाश में एक साथ जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। सर्दी के बाद बसंत शुरू होते ही इस इलाके पर सूखे की पकड़ मजबूत हो जाती है। अब कोई नमी नहीं बची है, सब कुछ सूखा और बंजर दिख रहा है। हाथी जैसे जीवों के लिए पेट भर पौष्टिक चारा ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया है। हाथी तरह तरह की चीजें खा सकने वाले शाकाहारी जीव हैं और ये घास से लेकर छाल और फल तक खा सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात में सेहतमंद खुराक हासिल करते रहना बहुत मुश्किल है। इस हथिनी के लिए सेहतमंद खुराक इसकी कई चिंताओं में से सिर्फ एक है। सर्दी के कठिन महीनों के दौरान अपने छोटे बच्चे का पेट भरने लायक दूध पैदा करने के लिए इसे ठीक से खाने की जरूरत है। इसके बच्चे ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा है और वो इसके दूध के बिना भूखा मर जाएगा। सफेद गैंडे घास चरते हैं और इनकी सेहतमंद खुराक के लिए ढेर सारी बढ़िया घास जरूरी है। दिन बीतने के साथ ही ये गैंडे दुबले होते जाएंगे और ये तब तक जारी रहेगा जब तक बारिश नहीं आती और सवाना में नई जान नहीं डाल देती। जंगल के जीव बारिश का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जलकुंड के पास हालात बहुत खराब है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी धीरे धीरे छिछला होता जा रहा है। इससे हिप्पो के लिए धूप और शिकारी जीवों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन शिकारी जीव भी बेचैन है और गर्मी की बारिश से मिलने वाली ठंडक के लिए बेताब है। हालात बिगड़ रहे हैं। यहां के जीव जंतु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बारिश आए और इस इलाके पर सर्दी के सूखे मौसम के शिकंजे को तोड़ दे।
जल कुंड के किनारे पर मौजूद हिरणों के झुंड के आसान शिकार का मौका भी इन दो शेरों को उठने के लिए नहीं ललचा पा रहा है और ये चुपचाप बैठकर दिन की गर्मी के खत्म होने का इंतजार करते रहेंगे। हर दिन की शुरुआत बारिश के आसार के साथ होती है। लेकिन हर दिन सूरज डूबने तक आसमान साफ दिखाई देता है। सूखी सर्दी का लंबा मौसम और बढ़ता जा रहा है। पानी दुर्लभ है और जो भी चारा उपलब्ध है वो बिल्कुल सूखा है और उसमें ज्यादा पौष्टिकता नहीं है। जीव जंतु सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और इन्हें उम्मीद है कि क्षितिज पर जमा हो रहे बादल आखिरकार बरसकर इन्हें राहत देंगे। जीवों का ये इंतजार बेकार नहीं था। आखिरकार सवाना में सर्दी का मौसम खत्म हो गया और गर्मी की बढ़िया बारिश ने सूखे जंगलों को फिर से हरी भरी जन्नत में बदल दिया है। एक बार फिर जिंदगी फलने फूलने लगी है और सबने सर्दी की बदहाली को भुला दिया है। एक बार फिर सतह पर ढेर सारा पानी मौजूद है और जमीन में हर गड्ढे में पानी भर गया है। तापमान बढ़ रहा है और भैंसे हमेशा की तरह जल कुंड की गहराइयों में राहत पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी हरियाली की बहुतायत है और जीव जंतु फिर से अपना दमखम बढ़ाने लगे हैं। एक बार फिर प्रचुरता का समय आ गया है। ठंडक देने वाली बारिश और खाने के लिए नई हरियाली से मिली राहत के बावजूद गर्मी के मौसम में इन्हें और भी ज्यादा तापमान का सामना करना पड़ता है। समय बीतने के साथ गर्मी बढ़ती जाती है। अपने शरीर के तापमान को काबू में रखने के लिए हाथी अपने कान फड़फड़ाकर उसकी पतली त्वचा में खून का बहाव बढ़ाते हैं। बच्चे पैदा हो गए हैं और अभी इनके जिंदा रहने के लिए बिल्कुल सही हालात हैं। अब इस जीब्रा मां को इतना भोजन उपलब्ध है कि ये अपने बछड़े के लिए पौष्टिक दूध पैदा कर सकती है। जल कुंड में एक बार फिर जीवन का चक्र पूरा हो गया है।
आसपास खाने की इतनी बहुतायत की वजह से अब लगातार खाना ढूंढते रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिराफ ज्यादा देर तक नहीं सुस्ताएंगे। अपनी लंबी टांगों और लंबी गर्दन की वजह से ये जल्दी नहीं उठ पाते और घास में ज्यादा देर तक बैठे रहने से इन पर शिकारियों के हमले का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के लंबे दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब शामें भी राहत देने वाली नहीं होती और भैंसे एक बार फिर जलकुंड में बढ़ते हुए तापमान से जूझ रही हैं। आज सुबह यहां बिल्कुल खामोशी है। सर्दी के लंबे सूखे मौसम में इस जलकुंड पर निर्भर रहने वाले जीवों को अब यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। जलकुंड में जाड़े में आने वाला सिर्फ एक जीव बचा है। नदी एक बार फिर भर गई है और सभी हिप्पो के लिए मिलजुल कर रहने के लिए वहां काफी जगह है, लेकिन ये नर फिलहाल यहीं रहकर खुश है। लेकिन जल्दी ही ये अपने सहज ज्ञान पर काम करते हुए गर्मी का मौसम बिताने के लिए नदी में अपने रिश्तेदारों के पास लौट जाएगा और अगर इसने वहां के प्रमुख नर की जगह नहीं ली तो फिर से सर्दी आने पर ये जलकुंड में आ जाएगा। हमेशा यहां रहने वाले इजिप्शियन हंस जैसे जीवों के लिए ये शांति और सुकून बहुत बड़ी राहत है।